हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन मेडिको आयु। अच्छा तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मोशन सिकनेस की मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, मोशन सिकनेस क्या होता है? तो मोशन सिकनेस एक ऐसी बीमारी है, जब भी कोई व्यक्ति मोशन करता है या एक तरीके से कहा जाए कि कहीं ट्रेवल करता है या सफ़र करता है बस में या किसी भी व्हीकल में, नौसिया होती है उसे, वॉमिटिंग होती है, हेडेक होता है, बहुत सारी उसको प्रॉब्लम्स आती है और ट्रैवलिंग करते समय यह प्रॉब्लम्स अधिकतर दिखाई देती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोशन सिकनेस। और एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो जब आप सफ़र करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम सबको फेस करने को मिलती है, उल्टी आती है आपको, इस तरीके की प्रॉब्लम सबको दिखती है। तो जब आप ट्रैवल करते हैं, जब आपको मोशन सिकनेस होती है, तो उसको कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए एक ऐसी मेडिसिन आती है जिसे हम खा लेते हैं तो हमें मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम नहीं आती है। यानी कि आप ट्रैवल कर रहे हैं गाड़ी से या बस से जा रहे हैं तो आपको उल्टी नहीं आएगी। मोशन सिकनेस के लिए जो दवा है वह दवा है एवोमिन। यह एक ब्रांड नेम है और इसका प्रोमेथाजिन एक साल्ट नेम है। तो आज की इस वीडियो में हम एवोमिन के बारे में बात करने वाले हैं। यह टैबलेट होती क्या है, यह कैसे वर्क करती है, क्या क्या इसके प्रिकॉशंस होते हैं, तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एवोमिन जो टैबलेट होती है उसके कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें प्रोमेथाजिन 25 mg होता है, जो कि कॉमनली यूज़ में आती है। अगर हम प्रोमेथाजिन के बारे में बात करें तो यह एंटीहिस्टामिन होता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर हिस्टामिन को ब्लॉक करता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर सारे जो एलर्जिक रिएक्शंस होती है हिस्टामिन की वजह से वह ब्लॉक हो जाती है, वह रुक जाती है। तो एवोमिन वैसे एलर्जिक रिएक्शंस में भी यूज़ में लिया जाता है। और यह प्रोमेथाजिन होता है, यह मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा को इफ़ेक्ट करता है, जिससे उल्टी आने का या जी मचलाने का, मनोज या वॉमिटिंग जैसा जो मन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर हम इसके और भी ब्रांड्स के बारे में बात करें तो इसके अलग अलग ब्रांड्स आपको देखने को मिलता है। और जो एवोमिन होती है यह बहुत सारे अलग अलग नेम से आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, जैसे कि प्रोजिन के नाम से आती है, प्रोपाजिन के नाम से आती है, इमीन के नाम से आती है, और इसके अलावा यह अलग अलग ब्रांड के नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। यह 25 mg की टैबलेट आपको लेनी है अगर आपको मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम आती है तो। दोस्तों, अगर इसके यूज़ेस के बारे में बात करें तो इसके यूज़ेस होते हैं, जैसे कि आपको नौजिया और वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए इस टैबलेट को यूज़ में लिया जाता है। वैसे भी अगर आपको उल्टी आती है तो यह टैबलेट आप दे सकते हैं। वैसे एलर्जिक कंडीशन को भी ठीक करने में इस टैबलेट का यूज़ में लिया जाता है, जैसे आपको किसी पदार्थ के प्रति एलर्जी है, हो गई है, तो फिर आपको जी मचला रहा है या फिर उबाई आ रही है, तो आप इस टैबलेट का यूज़ ले सकते हैं। एंड जो इसका मेन वर्क होता है वह मोशन सिकनेस में इसका वर्क होता है, जो कि हम इसको मैन्युअली यूज़ में लेते हैं, जो कि ज़्यादातर एवोमिन टैबलेट को या प्रोमेथाजिन को यूज़ में लिया जाता है, जो खास कर एक उल्टी की एक दवा होती है। दोस्तों, अगर हम इसके प्रिकॉशंस की बात करें तो क्या क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए, तो अल्कोहल के साथ में आपको इसको कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि यह डिजीनेस कॉज कर सकती है, क्योंकि अल्कोहल भी डिजीनेस कॉज करता है। एंड प्रेगनेंसी में यह कॉन्ट्रा इंडिकेट हो सकती है, तो बिना डॉक्टर के सलाह के आप इस टैबलेट को बिल्कुल भी यूज़ में ना करें। तो ब्रेस्ट फीडिंग में, लैक्टेशन मॉम्स में यह टैबलेट यूज़ में ली जा सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। फिर भी आप आपके डॉक्टर से सलाह लेकर इस टैबलेट का यूज़ में लें। इसको खाने के बाद आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ड्राइव करने से यह भी आपको डिजीनेस कॉज करती है, तो यह भी आपको स्लीपनेस भी कॉजेस कर सकती है, तो यह इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, बट कॉमन साइड इफ़ेक्ट इसके हो सकते हैं, जैसे माउथ में आपको ड्राइनेस आपको हो सकती है, माउथ में ब्लड वीजन आपको हो सकता है, दिखाई देने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक आपको हो सकता है, डिजीजनेस आपको हो सकता है,
आपको चक्कर आ सकते हैं एंड स्लीपनेस इसका एक रेयर कंडीशन या रेयर साइड इफेक्ट हम बोल सकते हैं, रेयर साइड इफेक्ट आपको इसमें देखने को मिल सकता है स्लीपनेस का। और इसकी डोजेस की अगर हम बात करें तो इसकी डोजेस नॉर्मली अगर आपको उल्टी आ रही है तो आपको अपने डॉक्टर ने जैसे प्रिस्क्राइब किया है आपको उसी डोज में उसी तरीके से आपको यूज़ में लेनी है। इसकी एक एक टेबलेट आप दिन में 2 बार या 3 बार या फिर 4 बार भी आप इसको यूज़ में ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं होती है इससे क्योंकि ये 25 mg की होती हैं। वहीं अगर हम मोशन सिकनेस में अगर इसको लेने की बात करें तो इसमें एक डोज़ आपको लेनी होती है। जब भी आप ट्रैवल करने वाले होते हैं तो ट्रैवलिंग करने से आधे इससे 1 घंटे पहले यह एक टैबलेट आपको लेनी होती है। इस टैबलेट का नाम एवोमिन है या फिर कोई भी ब्रांड में आप इस टैबलेट को यूज़ में ले सकते हैं। इससे जो आपको उल्टी आने का जो मन होता है, जी मचलाता है, ये सब नहीं होगा और बहुत ही अच्छे से आप ट्रैवल कर सकेंगे और यह बहुत ही अच्छा फ़ायदा आपको देगी आपकी बॉडी पर। एंड इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना। फ्रेंड्स थैंक यू।